नाम आलोक, प्रोजेक्ट पार्श्वनाथ प्लैनेट गोमती नगर लखनऊ, बुकिंग 2008, मिलना था 2009 में। अब तक सोसाइटी का काम पूरा नहीं। लखनऊ के टेक्नोक्रेट आलोक कुमार जैसे तैसे घर में तो घुस गए, पर बाकी सोसाइटी का काम कछुए की रफ्तार से चल रहा है। देख लीजिए कि ये फायर का भी काम चल रहा है। इन्होंने कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया 2015 में इस टावर का। ये इनकी मकाई देखिए, 2015 में कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया विकास प्राधिकरण में। विकास प्राधिकरण बैठा है, तैयार बैठा है कि हम दे दें। हम लोग जाके लड़ते हैं। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने 2008 में 540 फ्लैटों की स्कीम लॉन्च की थी। सालों के इंतजार के बाद आलोक आधे अधूरे मकान में ही दाखिल हो गए। मैंने ये 2008 में जनवरी में ही खरीदा था। 2009 दिसंबर में इसको कंप्लीट हो जाना था, हैंडओवर हो जाना था। 540 फ्लैट्स हैं, सारे फ्लैट्स कंप्लीट हो गए, पूरा प्रोजेक्ट जो विथ ऑल दी कॉमन एमिनिटीज़, ये हैंडओवर हो जाना था अलॉटिस को। अभी ये 2017 है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 2009 के बाद हम लोग, मतलब 2008 में बुक करते समय ये सोच रहे थे कि चूँकि 2009 में हम लोग यहाँ नहीं हैं, तो तब तक हम किराए पे उठा देंगे, फिर हम जब आएंगे तो खुद से रहेंगे। और हालात ये हो गए कि हम आने के बाद हमें किराए पे रहते रहते इस घर को जैसे तैसे आधे अधूरे, मतलब ये पूरा कंप्लीट नहीं था, तभी हम इसमें एंटर हो गए हैं। आलोक की तरह ही प्रियंका ने भी फ्लैट खरीदा था, पर मजबूरी में 12 लाख रुपए अपनी जेब से लगाकर फ्लैट में दाखिल हुए। फ्लैट देना तो दूर, बिल्डर उनका पैसा दबाकर बैठ गया है। 2 साल रेंट पे रहे 2015 तक, और कुछ भी नहीं था यहाँ पे। जब पहली बार हम फ्लैट देखने आए हैं तो यहाँ पे लिफ्ट भी नहीं थी, सीढ़ियाँ चढ़ के मिट्टी में ऊपर घुसे हैं, और हमें सिर्फ दीवारें दी गई थी और ये कहा था ये फ्लैट ले लीजिए। फिट आउट लेटर दे दिया गया था, अपने 10-12 लाख रुपए लगा के हमने फ्लैट बनवाया। आज भी हमारे 6 लाख रुपए इनके ऊपर बकाया है, जो ना तो एडजस्ट हो रहे हैं ना बिजली के बिल में जा रहे हैं। वो मतलब 12 लाख भी गए और 6 लाख और पानी में गए। सोसाइटी का हाल ये है कि ना स्विमिंग पूल है, ना बच्चों के खेलने की जगह है। 10 सालों से इस बिल्डर के खिलाफ लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आरोप है कि पिछला प्रशासन बिल्डरों की ज्यादा सुनता था, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यूपी गवर्नमेंट ने जो डायलूशन किए हैं उससे हमारी मुश्किलें और बढ़ेंगी। मैं अपने ही एग्जाम्पल लेता हूँ पार्श्वनाथ प्लैनेट का। जैसा मैंने आपको बताया था, 2013 में इसने कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया, 2015 में इसको मिला। और जो इन्होंने डायलूशन किया है यूपी गवर्नमेंट ने, जो पिछली सरकार ने, वो ये कहता है कि अगर डेवलपर ने कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया है तो उसको रेरा से बाहर रखा जाएगा। आप देखिए ये कितनी गलत चीज है। पार्श्वनाथ प्लैनेट में रहने वालों को रेरा से उम्मीद है, लेकिन डर ये है कि जिस तरह से रेरा को अखिलेश सरकार ने हल्का किया, उससे 10 साल से तंग करने वाला बिल्डर ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और इसको लेकर देश बोले में आज हम सवाल भी पूछ रहे हैं, क्या रेरा के लागू हो जाने से आपकी मुश्किलें कम होंगी, क्या बिल्डरों पर लगाम लगेगी। इस पर जो भी आपकी राय है, आप फेसबुक के जरिए आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल अब आपको ले चलते हैं दिल्ली के पास मौजूद नोएडा एक्सटेंशन के नाम से मशहूर ग्रेटर नोएडा में। यहां दर्जनों प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इन प्रोजेक्ट्स में फ्लैट लेने वालों का क्या हाल है, आइए जानते हैं। हालांकि इस बारे में भी अभी बिल्डर का पक्ष सामने नहीं आया है। नाम अशोक कुमार, प्रोजेक्ट इको विलेज 2, बुकिंग अगस्त 2010, मिलना था 2013 में, इंतजार 7 साल। अशोक कुमार उस वक्त को कोसते हैं जब उन्होंने घर का सपना देखा था। अशोक ने अगस्त 2010 में फ्लैट की बुकिंग ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक के इको विलेज 2 में की थी, जिसका पोजीशन 2013 में मिल जाना था, लेकिन आज 2017 हो जाने के बाद भी घर नहीं मिला। बात करता हूँ जी इको विलेज ऑफिस में या उनके जो भी ऑफिसर है उनसे बात करता हूँ, तो ये बात बताते हैं वो कि हम इसको मकान को आपको जल्द से 2-3 महीने के अंदर जाके दे देंगे, लेकिन आप अगर साइट पे चले वहाँ पे देखें तो एक्चुअल क्या स्थिति है इस साल के, क्या वो अगले साल भी शुरू में दे दे तो बहुत बड़ी बात होगी। अशोक कुमार की मजबूरी है कि अब महीने के 15,000 रुपये देकर किराए के घर में रह रहे हैं। यही नहीं, 20,000 रुपये महीना लोन की किश्त भी चुकानी पड़ रही है। अब हालात ये हैं कि घर की किश्त और किराए में ही 60% सैलरी निकल जाती है। अभी तक हमने अपने पार्ट का तो सारा काम कर दिया, बिल्डर अपने पार्ट का काम नहीं कर पाया है वो, तो इससे काफ़ी परेशानी तो हो रही है। बैंक से हमने लोन लिया है ना, ठीक है, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, जो भी अलग अलग तरह के जो भी जरिया था सब लेकर के हमने किसी भी तरह पैसा दिया, लोगों से, दोस्तों से उधारवा के लेकर के ये दिया, ठीक है, वो एक इंटरेस्ट अलग जा रहा है, लेकिन मकान की स्थिति जस की तस बनी हुई, तो हमारे लिए बड़ा ही पेनफुल है। अशोक कुमार जी का दुख दर्द जानने के बाद अब हम पहुंचे हैं उस जगह पर जहां पर उन्होंने फ्लैट बुक करा रखा था, अपने सपने का घर।
हम इस वक्त ग्रेटर नोएडा के सुपर टेक में हैं और सुपर टेक का ये इको विलेज 2 प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट का जो पीछे हाल है वो आप देख सकते हैं। आपको तमाम सारे टावर दिखेंगे जिन पर अधूरा काम हुआ पड़ा हुआ है और ये जो ढांचे हैं ये काफ़ी लंबे समय से ऐसे ही हैं जहाँ पर काम नहीं बढ़ा है और काम की जो स्पीड है यहाँ पर आपको इक्का दुक्का 2-4 मजदूर दिख जाएंगे। इतनी वर्क फोर्स से जो सुपर टेक है वो लोगों को कैसे उनका घर डिलीवर करने वाला है। ऐसे में जल्दी में प्रोजेक्ट का पोजीशन मिलना मुश्किल नजर आता है, पर अब अशोक कुमार को उम्मीद है कि रेरा के लागू होने के बाद चीजें बदलेंगी और उन्हें उनका घर मिलेगा। सुपरटेक इको विलेज 1 का भी यही हाल है। वैसे मुंबई की निशा जायसवाल को उनकी मां ने एक घर खरीद कर दिया था, आज तक अपनी बेटी को उसमें रहते वो नहीं देख पाई। बिल्डर ने कुछ महीनों में फ्लैट देने का वादा किया था लेकिन उन्हें इंतजार करते हुए 6 साल हो गए। इस खबर पर भी बिल्डर का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। नाम निशा जायसवाल, प्रोजेक्ट मेजेरे प्रॉपर्टीज मुंबई, बुक कराया 2011 में, मिलना था 2011 में, इंतजार 6 साल। यह है निशा जायसवाल। मुंबई के दादर इलाके में रहने वाली निशा को उनकी मां चंद्रावती जायसवाल ने 2011 में एक घर खरीद कर दिया। कुछ दिनों बाद यहां रीडेवलपमेंट स्कीम मंजूर हुई और मेजरे प्रॉपर्टीज नाम के बिल्डर ने यहां रीडेवलपमेंट स्कीम शुरू की। बिल्डर ने जगह की एवज में 290 वर्ग फीट का एक फ्लैट देने की डील की। निशा की मां ने बैंक से 35 लाख रुपए देकर बिल्डर को पार्ट पेमेंट भी किया। बिल्डर ने 2 महीने बाद फ्लैट देने का वादा किया था लेकिन 6 साल बाद भी निशा के हाथ खाली हैं। हमने पुलिस स्टेशन में भी इसकी कंप्लेंट की थी 10 दिन पहले, उस पर भी कार्रवाई हो रही है बट अभी तक हमें कुछ स्टेटस नहीं है। हमने जाके रिपोर्ट लिखवाई है वहाँ पर। आप क्या चाहते हैं सर? मुझे मेरा पैसा मिल जाए और यही मैं चाहती हूँ, या घर मिल जाए, दोनों में से। घर भले ही ना मिला हो लेकिन बैंक को हर महीने लोन की किस्तें देनी पड़ रही हैं। बिल्डर के झूठे आश्वासनों से तंग आकर निशा और उनकी मां ने महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस से गुहार लगाई। फडणवीस ने तुरंत पुलिस कार्रवाई के आदेश दिए लेकिन बिल्डर उससे भी नहीं डरा। हमारे जैसे बहुत लोग ये बिल्डर ने उन्हें फंसाया हुआ है, 2 से 3 रूम वहाँ पर ऐसे ही पोजीशन मिला नहीं है 2 से 3 लोगों को। महाराष्ट्र में नए रेरा कानून के नियम तो नोटिफाई हो गए हैं लेकिन अभी तक अथॉरिटी नहीं बनी है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि राज्य में जल्द ही बिल्डरों पर नकेल कसने वाला रेरा कानून लागू हो जाएगा। देखा आपने, दिल्ली से लेकर मुंबई तक का एक ही हाल है, यानी कि सभी बायर्स का एक ही दर्द है। फिलहाल लगातार देश बोले में आज फेसबुक के जरिए हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या रेरा कानून से आपकी मुश्किलें खत्म होंगी, क्या इससे आपको फायदा होगा और बिल्डर्स पर लगाम लगेगी। आपकी जो भी राय है आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए नोएडा में घर खरीदने वाले संदीप कुमार सिंह की भी बात कर लेते हैं। संदीप ने JP बिल्डर्स के प्रोजेक्ट JP अमन में घर खरीदा था लेकिन 7 साल वो अपने घर का इंतजार करते रह गए। अभी भी इन्हें घर मिलता नजर नहीं आ रहा, इन्हों तो नए कानून से भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं। संदीप के आरोपों पर बिल्डर का पक्ष सामने नहीं आया है। नाम संदीप कुमार, प्रोजेक्ट JP अमन नोएडा, घर खरीदा 2010 में, मिलना था 2012 में, इंतजार 7 साल। ये हैं संदीप कुमार सिंह, पेशे से TV पत्रकार हैं। संदीप कुमार ने 2010 में नोएडा के सेक्टर 151 में JP बिल्डर्स के अमन प्रोजेक्ट में अपना फ्लैट बुक कराया। वादे के मुताबिक 2012 में इन्हें अपना फ्लैट मिल जाना था। इन्होंने अपने फ्लैट की लगभग सारी पेमेंट लोन देकर दे भी दी है लेकिन अभी तक बिल्डिंग का सिर्फ ढांचा खड़ा है। 2009 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, 2012 में डिलीवर कर देने का जो है कमिटमेंट था इनका, 2012 में मैं डिलीवर कर दूंगा और आज 2017 तो चल रहा है और कब देंगे इसकी तो कोई डेट ही नहीं है। जितनी बार मिला जाए कब देंगे इसकी कोई डेट नहीं रही। बीच में एक लेटर गया था कि 2016 में दे देंगे, 2016 के बाद फिर लेटर गया कि 2017 में जो है जनवरी में दे देंगे, उसके बाद अब इसके बाद न लेटर गया है कोई हमारे पास, न कोई डेट मिल रही है। ABP न्यूज संवाददाता श्रेया बहुगुणा जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए संदीप सिंह के साथ JP के अमन प्रोजेक्ट पर गई। यहाँ पर बोर्ड तो लगा है लेकिन बिल्डिंग के नाम पर सिर्फ ढांचा खड़ा है।
संदीप हर महीने 29,000 की ईएमआई भरते हैं, ऊपर से किराए का खर्च अलग। संदीप को नए रेरा एक्ट से भी ज्यादा उम्मीद नहीं है। जहाँ तक मैंने रेरा के बारे में सुना है, वो हम लोगों को कोई सुविधा देने वाला नहीं, क्योंकि वो नए प्रोजेक्ट जो अब लॉन्च होंगे उन पर उसके नाम फॉलो हो रहे हैं। जो पुराने प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में मोदी सरकार और रेरा कुछ दे नहीं रही है। 7 साल से अपने घर का सपना संजोकर बैठे संदीप कुमार का सपना पैसे देने के बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है। अब देखना यह है कि क्या नए कानून से संदीप कुमार जैसे लोगों को राहत मिलेगी। और अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में समर्पित कर दी, देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर दुश्मनों से लोहा लिया, लेकिन अब रिटायर होने के बाद अपने घर के लिए बिल्डर और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। गुरुग्राम के रहने वाले कर्नल सत्येंद्र कुमार पिछले 5 साल से काफी परेशान हैं। इस पूरे मामले में जहां पर उन्होंने अपना घर बुक कराया है, उस बिल्डर का पक्ष अभी नहीं मिल पाया है। नाम कर्नल सत्येंद्र कुमार, प्रोजेक्ट पार्क सिरीन गुरुग्राम, बुक कराया 2008 में, मिलना था 2012 में, इंतजार 9 साल। 67 साल के रिटायर्ड कर्नल सत्येंद्र कुमार ने 1971 की जंग में दुश्मन से दो दो हाथ किए थे। सेना की नौकरी के दौरान वो अपना घर नहीं बना पाए। जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर 2008 में उन्होंने गुड़गांव के सेक्टर 37B में BPTP बिल्डर के पार्क सिरीन प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराया। बिल्डर ने 4 साल में फ्लैट देने का वादा किया था, लेकिन अब 9 साल हो गए हैं, लेकिन फ्लैट का सपना अभी भी अधूरा है। हर महीने 33,000 रुपए की ईएमआई और 27,000 रुपए के किराए ने इनकी कमर तोड़कर रख दी है। दिवाली में यही सपना दिखाया जाता है कि इस दिवाली में आपको फ्लैट मिल जाएगा, इस दिवाली में ओसी मिल जाएगा, इस दिवाली में फ्लैट मिल जाएगा, यही कहानी दोहराई जा रही है बिल्डर के द्वारा, लेकिन फ्लैट का पोजीशन कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। 2015 में बिल्डर ने पार्शल ओसी के लिए अप्लाई किया और उसको मिलने वाला था, लेकिन मुझे मालूम नहीं किस कारणों से उसको ओसी नहीं मिला। उसने पार्शल ओसी 4 टावर्स का और एस्केलेशन डिमांड के साथ में तकरीबन 15 से 20 लाख का एस्केलेशन डिमांड दिया, जबकि BBA में ये साइन था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एस्केलेशन फ्री है। कर्नल सत्येंद्र कुमार के बेटे राहुल के साथ ABP न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह प्रोजेक्ट साइट पर भी गई। प्रोजेक्ट में 7 टावरों में कुल 412 फ्लैट्स बनाए जाने थे। टावर तो खड़े हो गए हैं, लेकिन घर की हालत रहने लायक नहीं है। जब फ्लैट खरीदा था तो प्रोजेक्ट नो एस्केलेशन चार्जेस के नाम पर बेचा गया था, लेकिन अब बिल्डर फोन करके 15% अतिरिक्त रकम की भी मांग कर रहा है। यहाँ पे कहा था कि बहुत आलीशान क्लब होगा, उसमें 2-3 स्विमिंग पूल होंगे, जिम होगा, बहुत बढ़िया जिंदगी होगी आपकी, लेकिन वो अभी तक आप देखेंगे तो वो तैयार नहीं है। इसी प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले राहुल के दोस्त अमित भाटिया भी किराए के मकान पर ही रहने को मजबूर हैं। अमित का कहना है कि रेरा आने से फायदा तब है जब राज्य सरकार इसमें कम से कम बदलाव करें। अभी के मुताबिक जिस बिल्डर ने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया है वो रेरा में शामिल नहीं होगा। ऐसे में उनके जैसे लोग बिल्डर के चक्कर ही काटते रह जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस प्रोजेक्ट को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं अभी तक आई नहीं है। रेरा के मुद्दे पर हरियाणा सरकार की मंत्री कविता जैन ने कहा है कि वो जल्द ही इस कानून को अमल में लाने की कोशिश करेंगी। बिल्कुल, अभी कल हमारी 2 तारीख को माननीय CM साहब ने फरीदाबाद सूरजकुंड में मंत्रियों की बैठक रखी हुई है, और निसंदेह हमारे जो विषय पर चर्चा रहेगी उनमें ये भी मुद्दा रहेगा, और हम शीघ्र ही, क्योंकि केंद्र का लक्ष्य और हमारा लक्ष्य केवल यही है किस तरह से आम आदमी को राहत देना, और हम हर वो काम करेंगे, हर वो नीति को बनाएंगे जो आम आदमी के हित में होगी। तमाम वो जो बायर्स हैं उनकी एक उम्मीद इस रेरा एक्ट से ज़रूर बनी हुई है कि जिस तरह से है, जिस फॉर्म में है, अगर वैसे ही लागू हुआ तो शायद घर मिल पाए, लेकिन जिस तरह से स्टेट लेवल पर नियमों को बदला जा सकता है, नियमों को में ढील बढ़ती जा सकती है, उसको लेकर भी लोगों में ये चिंता है कि ऐसे प्रोजेक्ट जिनके लिए उसी अप्लाई किया हुआ है बिल्डर ने, वो अगर इसके अंतर्गत नहीं आते हैं तो फिर उनके घर का क्या होगा। कैमरा पर्सन वरुण के साथ अंजलि सिंह, ABP न्यूज, गुड़गांव। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।